नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बच्चों बी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड के अंतर्गत राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला, इस पर हम आज पढ़ेंगे। राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला क्या है और इस बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। विशेष रूप से हमें तीन दुर्गों के बारे में पढ़ना है, चित्तौड़ का दुर्ग, इसके अलावा कुंभलगढ़ का दुर्ग और मेहरानगढ़ का दुर्ग। कई बार रणथंभौर का दुर्ग भी आता है, तो हम उसके बारे में भी लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनकी स्थापत्य कला क्या है, इसका थोड़ा सा परिचय इसमें देना चाहेंगे। राजस्थान में अनेक महत्वपूर्ण दुर्ग हैं और राजपूत शासकों ने दुर्ग स्थापत्य के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान दिया है। और मध्ययुगीन राजपूत शासकों को यदि हम देखें तो निरंतर युद्ध और संघर्ष में व्यस्त रहना पड़ा था, किंतु उनके निर्माण कार्य भी निरंतर चलते रहे थे और उनकी स्थापत्य कला भी उत्तरोत्तर निखरती रही थी। इसी कारण उनकी स्थापत्य कला भी युद्ध से प्रभावित दिखाई देती है, चाहे वो नगर निर्माण हो, महलों, मंदिरों या सार्वजनिक भवन, सभी में सुरक्षा संबंधी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया था। राजस्थान में मुगलों के आगमन से पहले यहाँ पर हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव रहा और इनके स्तंभों में, इनके भित्तियों में अलंकृत आकृतियाँ, कमल व कलश, ये ज़्यादा उनमें दिखाई देते थे। मुगलों के प्रभाव के बाद राजपूतों की स्थापत्य कला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा और इस मुगल शैली के अंतर्गत नोकदार पत्तियाँ, मेहराब, मेहराबी छतें, इमारतों का अट्ठ पहला रूप, मीनारें, गुंबद, ये भी उसमें दृष्टिगोचर धीरे धीरे होने लगे। अतः हिंदू शैली और मुगल शैली दोनों के परस्पर मिश्रण से राजस्थान की स्थापत्य कला देखी जा सकती है या इन दोनों का समन्वय राजस्थान की स्थापत्य कला में होता था। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का विकास प्रारंभ से ही होने लगा था। जहाँ तक दुर्गों की कला की बात है, थोड़ा सा हम इसका इतिहास देखेंगे। राजस्थान में दुर्ग कैसे थे, कहीं छोटे दुर्ग हैं तो कहीं बड़े दुर्ग हैं, तो इस सब के पीछे क्या था। तो दुर्ग निर्माण की कला राजस्थान में हमें प्राचीन काल से ही दिखाई दे रही है और शुक्र नीति में दुर्गों के बारे में विस्तार से आता है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के प्रमुख अंगों में एक अंग दुर्ग भी है। प्राचीन लेखकों ने भी दुर्ग को राज्य का अनिवार्य अंग कहा है। अतः दुर्ग राजा और सामंत की वास्तविक पूंजी होता था। राजा अपने निवास, सुरक्षा, रसद आदि के लिए शत्रु से बचाव, पशुधन की सुरक्षा, संपत्ति को छिपाने के लिए, इन सब के लिए, सुरक्षा के साथ साथ इन सब कार्यों के लिए भी दुर्ग का निर्माण करते थे। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि सामंत भी राजा के समान अपनी सुरक्षा हेतु, अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जागीरों में भी दुर्ग का निर्माण कराते थे। तो राजा, सामंत और अधिकारी भी दुर्ग में निवास करके शासन की परंपरा बनाए हुए थे। तो ज़्यादातर जो दुर्ग में रहने के अतिरिक्त अधिक से अधिक दुर्गों को अपने प्रभुत्व में रखना भी राजपूत शासक वर्ग के लिए शान और सम्मान का प्रतीक होता था। दुर्ग का महत्व सेना के साथ भी जुड़ा हुआ है। युद्ध कला में निपुण सेना के बिना दुर्ग ऐसे माना गया है जैसे बिना प्राणों के शरीर। शुक्र नीति में राजा को ये सचेत किया जाता है कि युद्ध करने योग्य साधन सामग्रियां, शस्त्रास्त्र,
बारूद एवं युद्ध में निपुण योद्धाओं के बिना दुर्ग में केवल निवास करना राजा के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। इसी तरह कौटिल्य ने भी अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए राज्य की सीमाओं पर दुर्गों का निर्माण करवाना चाहिए, ऐसा उसने उल्लेख किया है। और उनके अनुसार दुर्गों को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला दुर्ग है उदक, उदक या ओदक दुर्ग। ओदक से तात्पर्य यहाँ उदक से है और उदक जल को कहते हैं, अतः ओदक दुर्ग का अर्थ है जल दुर्ग। तो राजस्थान में इस तरह का दुर्ग हमें गागरोन का मिलता है जो इसी श्रेणी में आता है। और दूसरा दुर्ग है पर्वत दुर्ग, पर्वत दुर्ग जो किसी ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित हो और जिसके चारों तरफ पर्वत श्रेणियां हों, तो ये पर्वत दुर्ग कहलाता है। राजस्थान में प्राय सभी दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसमें हम कुंभलगढ़ का दुर्ग उदाहरण के रूप में देख सकते हैं जो चारों ओर से पर्वत पे भी है और चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से भी घिरा हुआ है। तीसरा दुर्ग है धानवन दुर्ग। धानवन संस्कृत में मरुस्थल को कहते हैं, अतः मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। इसी दुर्ग के चारों तरफ झाड़ जंगाड़ उबड़ खाबड़ भूमि होती है और इस श्रेणी में जैसलमेर का दुर्ग आता है। वन दुर्ग जो चौथे प्रकार का दुर्ग है वो वन दुर्ग है जो सघन या बीहड़ वन में बना हो और जिसके चारों ओर दलदल या कांटेदार झाड़ियाँ हों, ये इस वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और राजस्थान में मेवास संज्ञक दुर्ग बहुत कुछ इसी कोटि की अंतर्गत आया माना जाता है। तो राजपूत शासकों ने, सामंतों ने दुर्ग निर्माण में इसी प्रकार की विभिन्न कोटियों का पालन किया है। राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य का विकास हमें प्राचीन काल से ही दिखाई दे रहा है और इसका आधार हमें कालीबंगा की खुदाई में भी प्राप्त हुआ है। मौर्य, गुप्त और उसके बाद के दुर्ग स्वरूप में भी इस तरह के उदाहरण हमें उपलब्ध हुए हैं। तो उस समय दुर्ग बनाने में मंदिरों, जलाशयों को भी महत्व दिया जाता था। 13वीं सदी के आते आते किले बनाने की परंपरा में नया मोड़ आया है। इस समय ऊंची चौड़ी पर्वत श्रेणियों पर दुर्ग बनाए जाने लगे। किले के भीतर भी ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रासाद के लिए होता था और नीचे भाग का प्रयोग जलाशयों के लिए किया जाता था। समतल भूमि खेती के लिए प्रयुक्त होती थी और किले के चारों ओर दीवारें चौड़ी और बड़े आकार की बनाई जाती थी। मुसलमानों के आगमन के बाद दुर्गों की निर्माण कला में फिर नया परिवर्तन आया और प्राचीन काल के बने दुर्गों को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाने लगा। उनको प्राचीरों, द्वारों, इनकी श्रृंखलाओं तथा इन बुर्जों को पहले से अधिक सुदृढ़ बनाया जाने लगा। आबू का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग आदि स्थानों के किलों का निर्माण तथा कायाकल्प इसी शैली के आधार पर किया गया था। दुर्ग में पानी के संग्रहण के अलावा अन्न संग्रह के लिए भी बड़े बड़े कोठे ये बनाए जाते थे। नागौर, जालौर, रणथंभौर के दुर्गों में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया गया था। अतः मध्ययुगीन किलों के निर्माण में सुरक्षा संबंधी बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। तो आज हम सबसे पहले चित्तौड़ का दुर्ग ले रहे हैं। चित्तौड़ का दुर्ग, इसके बारे में क्या हमें परिचय मिलता है, इस दुर्ग का इतिहास क्या है और दुर्ग में जो आकृतियां हैं, जो स्थापत्य के नमूने हैं, उन सब में क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, इसको हम देखेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में जो चित्तौड़ का दुर्ग है वो गिरी दुर्गों की श्रेणी में सबसे प्राचीन है और प्रमुख है और ये राजस्थान का गौरव भी है। ये दुर्ग चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 2 मील
दूर एक विशाल पहाड़ी पर बना हुआ है और इसको चित्रकूट भी कहा जाता था। ये गढ़ समुद्र की सतह से 1850 फीट ऊंचा है, लगभग 3 मील लंबा और आधा मील चौड़ा ये दुर्ग बना हुआ है। आसपास के चौरस स्थान से इसकी ऊंचाई 500 फुट है और चित्तौड़ के इस दुर्ग की रचना में प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के आदर्शों का बहुत सुंदर ढंग से पालन किया गया है, जिससे इसे एक सर्वोत्तम गिरिदुर्ग कहा जा सकता है। ये एक ऐसा किला है जिसमें बस्ती, मंदिर, महल, इनके सबके खंडर भी दिखाई देते हैं। यहाँ पानी के कुंड हैं, तालाब हैं, बावड़ियाँ, ये उस समय तो हमेशा भरे रहते थे और दुष्काल में, दुर्भिक्ष के काल में, उस समय में भी किले में पानी की कमी नहीं रहती थी, यहाँ खेती की सुविधा भी रहती थी। तो ये जो दुर्ग है सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। दिल्ली से यदि मालवा और गुजरात की ओर जाना है तो मार्ग में स्थित होने के कारण इसका प्राचीन और मध्यकाल में सामरिक योगदान भी रहा है। तो अपनी विशिष्ट संरचना और भौगोलिक महत्व वाले चित्तौड़ के इस किले को हजारों वीर सैनिकों, क्षत्रियों के बलिदान और सैकड़ों राजपूत बालाओं के जौहर ने भी गौरव प्रदान किया है। इसी कारण ये दुर्ग सभी दुर्गों में सिर मोर माना जाता है। इस दुर्ग के लिए ये उक्ति प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, मतलब सारे दुर्गों में जो दुर्ग है वो तो चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी सब उससे छोटे हैं। इस दुर्ग का निर्माता कौन था इस संबंध में प्रमाणिक रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जनश्रुतियाँ प्रचलित है उसके अनुसार ये दुर्ग पांडवों के समय में भी विद्यमान था और यहाँ किसी समय भीम आया था और उसने घुटने के बल से यहाँ पानी निकाला था। ये स्थान भीमलत के नाम से आज भी पानी के कुंड के रूप में देखा जा सकता है। 770 विक्रम संवत के एक शिलालेख से ये भी प्रमाणित होता है कि यहाँ मौर्य वंश का एक राजा भीम नायक राजा था और इस प्रकार पांडवों के भीम के साथ संभवतः इस भीम को मिलाकर ये माना जाने लगा हो कि भीमलत कुंड का निर्माण पांडव वंश के भीम ने किया हो। तो शिलालेख के अनुसार तो मौर्य वंशी भीम के अधिकार में ये दुर्ग था और इस भीम का उत्तराधिकारी मान हुआ, जिसे चित्रंग मौर्य भी कहा जाता था। इसी के नाम से फिर ये दुर्ग चित्रकूट के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ और बाद में ये दुर्ग गुहिल वंशी शासकों के प्रभुत्व में आया और इस दुर्ग पर किसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने भी 1303 में आक्रमण किया था और इस पर अपना प्रभुत्व रखा था। बाद में इस पर अकबर का भी अधिकार रहा, किंतु प्राय इस दुर्ग पर मेवाड़ के शासकों का आधिपत्य ही रहा था और वर्तमान में इस दुर्ग का जो देखभाल का उत्तरदायित्व है वो भारतीय पुरातत्व विभाग का है। तो वीरता और बलिदान की घटनाओं के साथ साथ चित्तौड़ का किला स्थापत्य की दृष्टि से भी बेजोड़ है। चारों तरफ से संपूर्ण किला चारों ओर से सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है, दीवारों से घिरा हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य मार्ग तथा 7 द्वार बने हुए हैं। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीर से युक्त बनाकर अत्यधिक सुदृढ़ बना दिया था और दुर्ग के ऊपर जाने वाली सड़क का निर्माण भी ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने ही करवाया था। दुर्ग के प्रथम द्वार को पांडन पोल कहा जाता है। इस द्वार के बाद एक वर्गाकार चबूतरे पर प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है और जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब बाघ सिंह ने दुर्ग की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए थे। इसके बाद थोड़ी दूर चलने पर भैरव आती हैं जहां जयमल के वंश के कल्ला और राठौड़ वीर जयमल की छत्रियां बनी हुई हैं। ये वीर अकबर के 1567 ईस्वी के आक्रमण के समय
दुर्ग की रक्षा करते वीरगति को प्राप्त हुआ था। इन क्षत्रियों के आगे बढ़ने पर गणेश, लक्ष्मण पोल, जोड़न पोल ये भी आती हैं, और इन सभी पोलों को सुदृढ़ प्राचीरों से इस प्रकार से जोड़ा गया था कि फाटकों को तोड़े बिना शत्रु किले पर अधिकार नहीं कर सकता था। जोड़न पोल के सकरे मोर्चे पर शत्रु सेना आसानी से रोकी जा सकती थी, और यहाँ की ऊंचाई और घुमाव और सकरापन मध्ययुगीन सुरक्षा व्यवस्था के लिए उल्लेखनीय साधन था। इसके आगे चलने के बाद रामपोल नामक द्वार आता है। रामपोल के भीतर घुसते ही फिर सुशोदिया पत्ता का स्मारक आता है, जो कि अकबर की सेना से युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। इसके अलावा रामपोल से दुर्ग की समतल स्थिति आती है। स्मारक के दाहिनी ओर जाने वाले मार्ग पर माता जी का मंदिर है, और उससे ये पता चलता है कि दुर्ग के निर्माण में मातृ मंदिर का विशेष स्थान होता था। और ये इसके अलावा यहाँ पर तोपखाने का दालान, महासानी, पुरोहितों की हवेली, भामाशाह की हवेली, ये भी महल हैं। नवलख भंडार के समीप श्रृंगार चमरी का मंदिर है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के द्वारा हुआ था, और इस मंदिर का जो बाहरी भाग है वो भी, उसकी जो कला है वो दर्शनीय है। उस पे मंदिर के बाहरी भाग पे जो कला उत्कीर्ण की गई है वो दर्शनीय है। इसके आगे त्रिपोलिया नामक द्वार मिलता है, जहाँ पर पुराने राजमहल का चौक है, निजी सेवा का बाण माता का मंदिर है, और अन्य महल मंदिर भी इसमें हमें दिखाई देते हैं। त्रिपोलिया द्वार के आसपास दो बुर्ज बने हुए हैं। इसके बाद खुला मैदान आता है, जहाँ पद्मनी के जौहर का स्थान बताया गया है। इसी स्थान पर छोटे बड़े शिवालय भी मिलते हैं, और जो जौहर होने के स्थान का प्रमाण भी है। कुंभा के महलों में गवाक्ष, खम्भे, दालान की छत को रोकने की विधि, राजप्रासादों को जोड़ने वाले सकरे मार्ग, और उस समय के स्थापत्य की उल्लेखनीय विशेषताएं यहाँ देखी जा सकती है। तो वास्तव में कुंभा के महलों की स्थापत्य कला 15वीं सदी के उच्च वर्गीय सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन है। फिर आगे हम जाते हैं तो राजप्रासादों के आगे कुंभश्याम मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। मंदिर पर सुंदर नक्काशी की हुई है। सभा मंडप में 20 विशाल स्तंभ बने हुए हैं। एक शिला पट्टिका पर कृष्ण लीला की झांकी अंकित है। मंदिर के बाहरी भाग पर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है, और दक्षिणी भाग पर गरुड़धारी विष्णु की प्रतिमा उत्कीर्ण है। उत्तरी भाग में एक प्रतिमा के साथ 16 हाथ वाले त्रिलोक के मोहन की प्रतिमा, और पीछे वाले भाग पर शिव हस्ती, घंटा, कर्णों आदि की मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। इसके आगे एक जैन मंदिर है, जो गुजरात की तक्षण कला को स्पष्ट करता है। फिर गोमुख कुंड आता है, और इसी के निकट त्रिभुवन नारायण का मंदिर है। इसे ऐसा माना जाता है कि राजा भोज ने बनवाया था, और फिर मोकल ने 1428 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये मंदिर 13वीं सदी की मूर्तिकला और जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रकट करता है, या उस सुंदर झांकी का उत्कृष्ट नमूना यह है। इस मंदिर के निकट 9 मंजिल का एक विशाल कीर्ति स्तंभ है, जिसे राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खलजी को पराजित करने की स्मृति में बनवाया था। ये स्तंभ अनेक देवी देवताओं और सामाजिक जीवन की झांकी का बेजोड़ कोष है। कीर्ति स्तंभ से आगे चलने पर जयमल राठौड़ की हवेली है। इसमें निर्मित कमरे, बरामदे और आदि हिंदू स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं। हवेली के आगे पद्मनी महल, कलिका मंदिर है, जो पहले सूर्य मंदिर था। इस मंदिर की स्थापत्य कला 8वीं शताब्दी की है, और चित्रांग मोरी ताल को पार करके हम दुर्ग के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से पुनः मुड़कर दाहिनी ओर मार्ग पर चलने पर एक जैन विजय स्तंभ आता है। इस विजय स्तंभ की तक्षण कला भी
गुजरात की जैन तक्षण कला के समान ही प्रतीत होती है, जिसको 11वीं सदी में जिसका निर्माण करवाया गया था। और इसके बाद अद्भुत जी का मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर, नीलकंठ और अन्नपूर्णा का मंदिर, कुडकेश्वर का मंदिर आदि हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन महलों में और मंदिरों की स्थापत्य कला पश्चिमी भारत की स्थापत्य कला और मुस्लिम शैली के शैली से प्रभावित दिखाई देती है। तो इस प्रकार चित्तौड़ का ये दुर्ग स्वयं में एक सर्वोत्तम दुर्ग माना जाता है। 1303 ईस्वी के पहले सभी लोग इस किले के भीतर ही निवास करते थे, किंतु किले पर मुसलमानों का प्रभुत्व कायम होने के बाद लोगों ने किले की तलहटी में रहना आरंभ किया। इस किले की भौगोलिक स्थिति के कारण इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार माना गया है। इस दुर्ग में सदियों के प्राचीन स्थानों, महलों, जौहर के स्थल होने के कारण राजस्थान का ये पूजनीय गढ़ माना गया है। इस दुर्ग की धूल हमारे अनेक तीर्थ स्थानों की धूल से निर्मल और पवित्र है, क्योंकि इस दुर्ग में योद्धाओं ने शत्रु से जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया है। तो वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति दी है। तो मातृभूमि के प्रति प्रेम और स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक यह चित्तौड़ का दुर्ग केवल राजस्थान में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में विशेष स्थान रखता है।